नमस्कार। मैं पंडित रामकिशोर शर्मा विद्यानगर भोपाल से आप सभी लोगों को नमस्कार, राम राम, जय राम जी की करते हुए कल की जो बात थी उसको विस्तार देने के लिए आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गजानन महाराज को प्रणाम करते हैं, उपरांत सरस्वती माता उनको प्रणाम करते हुए गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम देवः तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के वर्तमान समय में हर व्यक्ति, हर प्राणी जन्म से लेकर जीवन में कभी सुख कभी दुख पाता है, कारण समझ में आ नहीं पाता। उपाय करते हैं लेकिन किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिल पाती, उसका भी कारण नहीं समझ में आता। इसी विषय में आज मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ, इस विषय में बताता हूँ। मनुष्य के अंदर ही सारी सामर्थ्यता और शक्ति है जिससे वह अपने समस्त दुखों से निजात पा सकता है, दुखों को दूर कर सकता है, सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। उसके लिए मनुष्य अपने अंदर की जो सामर्थ्यता शक्ति है उसको जागृत करे, अपने मनोबल को बढ़ाए, तभी यह संभव हो सकता है। तो उस आपके अंदर, हर मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को अध्यात्म तंत्र या वेदों पुराणों के अनुसार उसको कुंडलिनी नाम दिया गया है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी मात्रा में रहती है, जिसके ही कारण हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक अंगारे के ऊपर कुछ राख जमते जाती है, लेकिन अंदर तो उसकी ताप रहता है। उस राख को यदि हटा दिया जाए तो वह पुनः अपनी पूर्ण ताप से प्रकट होती है। उस अग्नि को ही कुंडलिनी कहते हैं, जो अपने शरीर के अंदर सबसे निचले भाग में, मूलाधार में स्थित है। उसी को जागृत करने के लिए कुछ प्रयास को, कुछ उपाय हम आप लोगों को बताते हैं। बहुत सरल भी है और कठिन भी है। जो करेगा उसके लिए सरल है और जो प्रयास करेगा उसके लिए सरल होते जाएगी। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको बाह ध्यान किसी भी एक बिंदु पर, ओम अक्षर पर, या जो भी आपके इष्ट हैं उनके चित्र पर आप एक टक उस चित्र को, उस बिंदु को, उस ओम को देखिएगा और 5 मिनट, 10 मिनट जितने भी आपसे बन सके इजी गोइंग सरल रूप में आप उसको त्राटक करें, इसी को बढ़ाते जाएं। फिर जब यह आपका सिद्ध हो जाए तो फिर आप अपने नेत्र को बंद कर इसी त्राटक को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां पर तिलक लगाते हैं उस जगह पर आप नेत्र बंद करके ध्यान करें, तो और सीधे बैठकर, बैठने का भी तरीका है बिल्कुल सीधे, रील की हड्डी सीधी रहे और आप अपने को ध्यान, जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र है या इष्ट मंत्र है, उसको आप त्राटक करते हुए आंतरिक आज्ञा चक्र पर और उस शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। सोचें कि हमारे अंदर की शक्ति जागृत हो रही है, उठ रही है। तो इस प्रकार कुछ दिनों में आप महसूस करने लगेंगे कि आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, नया मनोबल, जो आपका कमजोर था बढ़ा हुआ महसूस होने लगेगा और आप उस यात्रा में, यात्रा के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। एक दिन आपको उस शक्ति का आभास स्वयं होगा जिससे आप खुद का भी और दूसरों का भी भला कर सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतना ही काफी।